कामाख्या प्रसाद तासा जी, कामाख्या प्रसाद तासा जी नेक्स्ट स्पीकर। तासा जी बोलो, बोलो। ऑनरेबल वाइस चेयरमैन, मैं खुशी हूं कि आप मेरे को बोलने के लिए दिया और अंतिम पर्याय पे है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैडम को धन्यवाद देता हूं कि वो ऐसा बजट रखा जो अगले 5 साल के लिए हम लोग एक रोड मैप तैयार करेगा और 2047 के लिए एक रास्ता भी तैयार करे। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जैसे हम लोग ये अमृतकाल का बजट रखा, इसके लिए अपोजिशन, मेरा सही लोग ने बोला, सब लोग जब अच्छा पा रहे तो खाली अपोजिशन लोग ही खराब पा रहे, क्योंकि इन लोग तो अभी कांग्रेस में 2 ही बचा है और बाकी कम्युनिस्ट में 2 बचा है, बाकी नेक्स्ट टाइम में इन लोग भी सफा हो जाएगा। लेकिन हम लोग का प्राइम मिनिस्टर बोले क्या 40 का वो आशीर्वाद मांगा है। सर, मैं जब देखा कांग्रेस का जमाना में बिलो पॉवर्टी लेवल का पॉपुलेशन इतना बढ़ गया था, ये बिलो पॉवर्टी लेवल का आदमी जितना था उसको अभी 25 करोड़ आदमी को मुक्ति दिलाया, 25 करोड़ आदमी को मुक्ति दिलाया, मतलब ये कांग्रेस का और अपोजिशन का सहन नहीं हो रहा है। मैं कम्युनिस्ट का फ्रेंड लोग है, इन लोग एक क्लासलेस सोसाइटी का चिंतन था, लेकिन क्लास क्रिएट किया इन लोग, क्लासलेस सोसाइटी का जो चिंतन है बीजेपी ने, हम लोग का नरेंद्र मोदी जी का टेन्योर में क्लासलेस सोसाइटी का चिंतन हो रहा है। क्लासलेस सोसाइटी मतलब बिलो पॉवर्टी से निकल के उनको थोड़ा अपर जो एक संपन्न व्यक्ति बनाने का जो चिंतन है, ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चिंतन में ही है। उनका आज प्रेसिडेंशियल एड्रेस में जो बोला, इसमें कांग्रेस का जवाब देने का कोई भी एक भी शब्द नहीं निकला, जो खाली मैं आश्चर्य हूँ, एक इतना जना चना पढ़ा सुना पढ़ने वाला आदमी हु इज़ वेरी मेरिटियस ऑल्सो, खाड़गे जी बार बार उसको डिस्टर्ब कर रहा था, मेरे को तब भी पता चला, हम लोग को पूरा इंडिया में पता चला क्या कांग्रेस और अपोजिशन पूरा हताश है, कांग्रेस का कोई व्यवस्था ऐसा नहीं रहा, क्योंकि बजट में ऐसा कोई वो करने नहीं सका, दो इट इज़ ए इंटरिम बजट। मैं सोचता हूँ क्या इंटरिम बजट में मैडम ने इतना सारे चीज़ों दिया, जो चीज़ 2047 में एक भारतवर्ष को एक संपन्न राष्ट्र में रूपांतरित करेगा, क्योंकि आंकड़ा में मैं भी नहीं जाना चाहता हूं, मैंने आंकड़ा बहुत बोला, आंकड़ा को देखना जरूरी नहीं है, देखना है कोई गांव में जाओ, गांव में जाके अगर देखेगा तो गांव का जो आदमी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या जो रेशन कार्ड वाला हो या आयुष्मान कार्ड वाला हो, इसको देखने से पता चलता है कि आदमी खुशी है। चेयरमैन सर, 2 दिन पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मेरा वहाँ गया गुवाहाटी, वहाँ जाते हुए मैं देखा जहाँ वो भी लाएगा, जहाँ एक टाइम में उग्रवाद का पूरा ये था, उग्रवाद का डोमिनेशन था, उस जगह पे हम लोग को जो कम से कम 1.5 लाख आदमी इकट्ठा हुआ स्वतस्फूर्त और स्पॉन्टेनियसली, दे केम टू द मीटिंग एंड हार्ड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, 11,600 करोड़ का एक प्रोजेक्ट, बहुत प्रोजेक्ट उद्घाटन भी किया और समर्पण भी किया। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा का जो आशीर्वाद प्राप्त है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, ये मतलब है जैसे उग्रवाद का चपेट में था अभी खत्म हो गया। आप देखिए वहाँ पर मणिपुर को छोड़ के, मणिपुर में जो हो रहा है आपको पता है, वो मणिपुर तो जाके उसकाने के लिए गया था राहुल गांधी, वहाँ पर भी नहीं सका, क्योंकि अभी अरुणाचल है, त्रिपुरा है ना, आप कभी तो नॉर्थ ईस्ट आओ सर, अभी आओ, अभी मेरा फ्रेंड बोला आप अभी राहुल गांधी वहाँ गया, वो डेवलपमेंट देख के आया, इस फिर वो कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि ही एंटर्ड असम, ही एंटर्ड, काइंडली सिट डाउन, नो, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, जितना शांति, जितना डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट में आप कभी सोच नहीं सकता, आपका त्रिपुरा, आप त्रिपुरा में आप शासन में था और बिप्लब देव यहाँ बैठा हुआ है, त्रिपुरा में शासन में था सर, चेयरमैन सर, वो त्रिपुरा में शासन किया था, वो क्लासलेस छोड़ के क्लास, इतना क्लास बनाया, इतना हम लोग का आदमी को मारा, क्या बोलेगा कम्युनिस्ट पार्टी, सोच भी नहीं सकता। बिप्लब देव आने के बाद अभी डॉक्टर मानिक सोइका वो त्रिपुरा को अच्छा कर रहे हैं। चेयरमैन सर, अभी हमारा असम में
देखिए कार्बी आंगलोंग में जाके प्राइम मिनिस्टर जाता है, अमित शाह जो की मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट आदमी देख रहा है। डेवलपमेंट क्या हुआ आंख से दिखाई देता है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेके महिला लोग इतना इकट्ठा होता है। अभी लाखपति दीदी का जो व्यवस्था है, लाखपति दीदी कभी सोच भी नहीं सकता था। इन लोग क्या जो वुमेन्स एम्पावरमेंट का बात बोलते थे, एम्पावरमेंट का कोई बात ही नहीं है। हम लोग का वहाँ पर लाखपति दीदी का मैं देखा, वो महिला का चेहरे पे इतना फुर्ती है, इतना उन लोग का चमक है। वो लाखपति दीदी बनने का इच्छा नहीं है, घर में कुछ पैसा है, ये प्राइम मिनिस्टर ने किया। जल जीवन मिशन कभी सोच भी नहीं सकता था। जल जीवन मिशन पूरा देश में, जल जीवन मिशन का जैसे व्यवस्था है, घर घर नल, घर घर जल, ये व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था इतना स्पर्श किया है, क्या पानी के लिए तरसता था, अभी पानी घर में पहुंच रहा है। रेशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सब ये व्यवस्था से लेके ये जो बजट है चेयरमैन सर, ये मैं चाहता हूँ क्या देश का सबसे अच्छा इंटरिम बजट में सबसे अच्छा इंटरिम बजट हो सके। सबसे अच्छा इसीलिए है क्योंकि ये 2047 के लिए रोड मैप है। और अगले हम लोग का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जैसे बोला, हम लोग भी अपेक्षा करते हैं इस बार 400 पार और प्राइम मिनिस्टर फिर बनेगा वो। आप हम लोग पूरा आशीर्वाद है, पूरा देश का आशीर्वाद है नरेंद्र मोदी जी, और एक बार प्राइम मिनिस्टर बने, एक बार बनेगा, ये कभी सोच भी नहीं सकता। खाड़गे साहब का नेतृत्व में तो कांग्रेस बर्बाद है, ये क्योंकि उसको सुनने का धैर्य नहीं है। वो आदमी कहाँ से क्या लाएगा, और उन लोग का जो लीडर है मैं देखता हूँ, वो लीडर का कोई कैपेसिटी नहीं है। कांग्रेस सर, चेयरमैन सर, पहले सर, चेयरमैन सर, काइंडली डोंट लेट हिम, चेयरमैन सर, पहले एक गाय खाता था नॉर्थ ईस्ट में, दूध देता था दिल्ली में, अभी उल्टा हो गया, अभी यहाँ से लेके दूध वहां दे रहा है। अभी नॉर्थ ईस्ट में जाइए, नॉर्थ ईस्ट का बात क्यों आता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऐसा जगह बन गया था इन लोग का जमाना में, कोई जाने के लिए सोच भी नहीं सकता था। अगर नॉर्थ ईस्ट डेवलप हो सकता है तो साउथ क्यों नहीं होगा, बिहार क्यों नहीं होगा, जम्मू कश्मीर नहीं होगा। इसीलिए बजट को हम लोग बहुत बहुत आभारी हूँ क्या निर्मला सीतारमण मैडम, इसको दिखाया है क्या नरेंद्र मोदी क्या चाहता है, वो अभी इस बजट में प्रतिफलित है। और हम लोग चाहते हैं क्या, जब अगली बजट आएगा, फुल फ्लेज बजट आएगा, इसमें प्राइम मिनिस्टर का जो रोड मैप है, जो चिंतन है, और देश का वासी का जो इच्छा है, वो हम प्रतिफलित होगा। थैंक यू मेरे को बोलने के लिए। नेक्स्ट स्पीकर इज डॉक्टर सिकंदर कुमार जी, नॉट प्रेजेंट। श्री हरनाथ सिंह यादव जी, नॉट प्रेजेंट। श्रीमती दर्शना सिंह जी, नॉट प्रेजेंट। अनिल सुखदेव जी, नॉट प्रेजेंट। श्री राम भाई हरिजी मोकरिया जी, मिस स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग।